हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं पीछे का ये नज़ारा कैसा लग रहा है। तो मैं दोस्तों ये कल ये बनाया दोस्तों, कल बुढ़ा नहीं परसों बुढ़ा बोला था, मतलब कि हमने बोला कि पानी नहीं निकलता उसे रहने तो बाद बनाएंगे, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा गिर गिर कर दिया दोस्तों, इसी वजह बनाना पड़ा। तो दोस्तों कल और एक बात हुई थी, झगड़ा हो गया था कल, मतलब उसके हमारे कफिल के भाई से। तो ये जो रखा ना दोस्तों, ये जो बना रहा है, ये पता नहीं क्या लाएगा यार, साला पता नहीं क्या लाएगा, इतना दिन से बना रहा है भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है, ये समझ लीजिए कितने दिन से बना रहा है ये। करीब हमारा आंकड़ा होगा 2 महीने से ज़्यादा हो गया, 2 या 3 महीने। तो देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर वहाँ तक गिर, मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों बोलता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा किया कल। अब इसको देखो मैं अकेले कैसे इसको बनाऊँगा, आप बताइए। कोई दिक्कत, कोई आदमी अकेले बना रहे, कोई नहीं बना पाएगा। बोलता कि आज ये नहीं तुम किए, आज वो नहीं किए, तो मैंने बोला था ये करने के लिए वो करने। दोस्तों समझिए दिमाग पक गया दोस्तों सुनते सुनते कल उसका। तो मैं भी गुस्से में बोल दिया कि मैं जाऊँगा घर, नहीं काम करूँगा, तो थोड़ा सा शांत हुआ। तो दोस्तों बस बताएंगे, काफ़ी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं बताएंगे आपको। तो आज दोस्तों बाल बहुत बढ़ गया दोस्तों, देख सकते हैं बाल आज कटाना है, चलेंगे आज नाव के यहाँ, इंडियन नाव भाई के पास के यहाँ बाल कटाएंगे, और क्या कहते हैं उसके बाद उधर से रोटी वोटी भी ले आएंगे खाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको दिखाएंगे उधर से रोटी वोटी कैसे बनाते हैं, कैसे लाते हैं, आपको दिखाएंगे भी। और क्या कहते हैं गाड़ी उधर खड़ी है, चलेंगे भी। और इसे घास भी लाना है दोस्तों, घास बोला था कल, मतलब कि उसका एक भाई, मतलब 6 भाई, 6 भाई के सब काम अलग है ना। तो कल दूसरे का पार्ट यहाँ खाना वाना खाए थे कल, उनका मतलब कि छोटा वाला सबसे किया था, बकरा वकरा लाया था काट के, उधर भी थोड़ा साफ सफाई है, बहुत काम है दोस्तों, यार दिमाग ख़राब हो जाता है दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों बस वीडियो बने लास्ट तक, चलते हैं आपको घास भी लोड करेंगे, वैसे आज बाल कटाएंगे, आज बहुत 3 महीने बाद बाल कटाने दोस्तों, समझ लीजिए कितनी दिक्कत रहती है। तो बस वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, आइए आपको दिखाएंगे बाल कटाना, और क्या कहते हैं कैसे कहाँ कौन मजरे में जाएंगे, हो सकता है हिंदी वाले में जिस मजरे में पुलिस आई थी उसी मजरे में हम जाएंगे मजरे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आइए दिखता देंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मजरे में, मजरे में गेट बंद कर दिया है। गेट बंद करने का क्या रीजन, दूध दास भाई खोले थे, उस पर सुदानी साला आता है, वो अंदर बंद कर देता है, सोचता है कि कोई आ नहीं ना पाए अंदर, न तो ज़्यादा घास जा पाए। तो देख सकते हो मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ बड़ी बिल्डिंग के पास में, इधर गाड़ियाँ भी लगी हैं अभी अभी, क्या कहते हैं इधर गेट बंद है, दूध दास भाई आएंगे खोलेंगे तो अंदर जाएंगे। तो दोस्तों सुदानी इतना रद्दी है भोसड़ी का, दिमाग खराब कर देता है यार सुदानी, अभी चलते हैं इसको बताते हैं चोर साला। तो दोस्तों वीडियो में रहेगा, चलेंगे लोड करेंगे टमाटर, टमाटर है इसमें आज बोला है टमाटर, टमाटर लोड करेंगे, टमाटर लोड करने के बाद चलेंगे बाल कटाएंगे, बाल कटाने के बाद से रोटी लेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे नज़ारा। तो दोस्तों मैं फाइनली मजरे में पहुँचाया, देख सकते हैं ये टमाटर है, आज ये टमाटर मतलब कि उखाड़ा उखाड़ मिला है दोस्तों, बहुत खुशी है दोस्तों, क्योंकि उखाड़ना पड़ता था, आज पूरा निकला हुआ है, इसमें रस्सी नहीं है, बहुत अच्छा लगा। इसमें लोड करेंगे, उसके बाद रवि भाई, वो लोड कर रवि भाई तो फ़ोन नहीं किए थे हमको आज, वो तो हमको आज आना पड़ा, रवि भाई तो थोड़ा सा हमसे नाराज़ है क्योंकि थोड़ा सा बात नहीं करता हूँ। तो उधर ये क्या नाम है भाई है, हिंदी है वो भी है, तो लोड के वो लोड करें। हाँ भैया क्या हाल चाल, भाई भाई शकील भाई, हमारे दोस्त कह रहे हैं ठीक ठाक बढ़िया, तो बोल रहे हैं सब ठीक ठाक बढ़िया। तभी लोड के दिखाएंगे आप, लोड कर रहे हो अभी उधर, तो कितना मेहनत होता है दोस्तों घास लोड करने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, समझ लीजिए कांटे से लोड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो कैसे उठा रहे हैं कांटे, देख सकते हैं कितना कितना मेहनत लगता है भाई, थोड़ा बताइए तो, बहुत ज़्यादा बस आधा घंटा लगता है, मतलब उठाने तो मेहनत लगता है ना। हाँ हाँ मेहनत, तो समझ लीजिए दोस्तों इतना मेहनत लगता है कि देख सकते हैं भाई कैसे ले आ रहे हैं, एक चक्कर का हमारा 20-25 किलो होगा ये। हाँ भाई, हाँ हाँ 20 किलो 15 किलो 20 किलो 15 किलो उठाते हैं, तो इसे देखो ऐसे रखना पड़ता है, देखिए कितना मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ये टमाटर है, झाड़ बोलते हैं यहाँ, यानी मतलब पौधा टमाटर, तो इसमें कुछ दूसरा कुछ लगाएंगे, इसी को ये उखाड़ रहे हैं। तो हम भी हमारी गाड़ी उधर खड़ी है, अभी लोड करेंगे, काफ़ी मतलब कि लेट हो चुका था, इसी वजह से आज मैं सो गया ज़्यादा, क्योंकि कल यानी मतलब नाश्ता मतलब कि नहीं किए थे, फिर दोपहर किए थे थोड़ा सा, तो कल पार्टी थी इसी की वजह से रात को, इसी वजह से लेट उठना पड़ा। तो दोस्तों आइए लोड करते हैं, उधर और अभी भी आधा लोड कर लिए, मेरी गाड़ी खाली है, मैं भी क्या कहते हैं
लोड करूंगा तो भरूंगा तो चलूंगा। तो रवि भाई ठीक है, बढ़िया, सलाम वालेकुम। अरे बोल दिया कहो मर्दो यार, बोल दिया। हमारे बीजे कहते हैं रवि, बोलते हैं कि गुस्सा गए दो तीन दिन से, तुम ही यार। दोस्तों मेरी गाड़ी पूरा फुल हो चुकी है, रवि भाई चल दिया, मैं भी चल रहा हूँ, क्योंकि वो जल्दी था उनको, आज उनका सऊदी आया था, अभी बोला कि चलो जल्दी थोड़ा सा काम है तो जाएंगे, हो सकता पेट्रोल लिख लिए। फ़ोन किया उनका दोस्तों, फ़ोन किया फ़ोन पहले किया था, फिर उसके बाद आया तो थोड़ा सा सामान इनका था तो पहुंचा के गया, बोला कि जल्दी आओ काम है तो जा रहे हैं जल्दी। तो मैं चलूँगा, अभी चलूँगा इधर साइड से, मेरी गाड़ी फुल हो गई, इधर ख़त्म हो गया दोस्तों। दोस्तों चलिए चलते हैं बाल वाली दुकान पर, देखेंगे और रोटी वोटी थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद फिर रूम पर चलेंगे दोस्तों। मैं दुकान पे चला आया, दुकान उसकी बंद है आज, रोटी उधर बन रही है, देखते हैं भाई। और इधर ये इधर की बनी है दोस्तों, अभी वो दुकान खुली नहीं है, ये भाई का ये कपड़ा धुलने वाले दुकान, तुम्हारा बाल नहीं कट सकता है, कितने में जाएगा भाई वो? एक घंटा लगेगा, एक घंटा। चलो कोई दिक्कत नहीं, जाएगी दूसरी दुकान पे, दूसरे दुकान पे। टमाटर चाहिए आपको? टमाटर चाहिए और नहीं, तो मैं कल आऊँगा इधर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। किधर रहता है? तो मैं वही इधर रहता है, इस साइड में, क्या नाम है, ये दुबई नहीं है बस इस साइड में। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ भाई अपने रूम में, हो नहीं तो खाए, बकरी के लिए ना था, बकरी लिए, बकरी लिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं इधर रोटी वाले में, अभी रोटी खाना है लेना इधर मतान है भाई। सलाम वालेकुम, पैसा काट ले यार अपना, रोटी दे दे, जितने ये रोटी बन रही है। हाँ भाई, भाई सलाम वालेकुम बोल दे यार। तो अभी रोटी बन रही है, थोड़ा देखिए अभी आपको खाना दिखा के रोटी का, देख लेना कैसे लग रही है भाई। अभी रोटी बना रही, इतना देख सकती हूँ अंदर है, देखो अंदर रोटी पड़ी हुई है, और इधर रोटी ये है ज़्यादा, पूरी खदाने है निकालते हैं, ये आटे लगे हुए हैं पूरा। रोटी ऐसे दोस्तों यहाँ बनती है, रोटी खाने में बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ से ले लिया हूँ एक रोटी, मैं 50 दिया हूँ, 5 पहले का बाकी था पैसा, 50 है। तो भाई रोटी बना लीजिए भैया, पैसा काट लीजिए, 5 पहले का, एक अभी 6, तो मैं ले लिया पैसा। तो मैं अब जाऊँगा बाल कटाने, दूसरे दुकान देखूँगा। तो दोस्तों मैं बाल यहाँ कटा नहीं, अब जाएंगे सीधा दूसरी दुकान पर, इधर बार पानी से पका लेंगे, उसके पास में मेरी गाड़ी इधर खड़ी दे सकते हो, खड़ी है, मैं भी निकलूँगा इधर। तो चलो वीडियो बनेगा, उससे बाल कटेंगे नहीं करते हैं आप लोगों को, बाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ बाल वाली कटने वाली जो दुकान थी वो बंद है, तो बोला एक घंटे बाद है, कि घंटे बाद मैं चला जाऊँगा रूम में, तो कोई फ़ायदा नहीं भैया, क्योंकि 10 बज जाता है कि यहाँ मतलब कि 10 बज के 5 मिनट हुआ है, तो मैं एक घंटा लग जाएगा बाल कटाने, तो 11 बज जाएगा, तो फिर कब सऊदी है नाराज़ हो जाएगा। तो इसी वजह मैं जा रहा हूँ, वो जो दुकान मेरा है, मैं सामान लेता हूँ, थोड़ा सा वहाँ सामान मिला है, उसको पैसा भी देना है, तो उसके यहाँ देखेंगे, कटाएंगे बाल, अगर खुला होगा, अंदर बंगाली रहता है उसका कटाएंगे, फिर उसके बाद फिर पैसा पाकिस्तानी कुछ सामान लेंगे, तो फिर चलेंगे रूम में दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो देखने को मिले यहाँ की। तो यहाँ मैं अभी रोड पर चल रहा हूँ, एकदम मेन रोड पर देख सकते हैं, ये इधर गाड़ी भी आ रही है। तो अधिकतर दोस्तों वीडियो में ज़्यादा रोड चलती हुई गाड़ी नहीं बनाता, क्योंकि डर रहता है यहाँ, इस पर हमेशा पुलिस आती रहती है, ग्रामा गिर जाता है, आगे कैमरा लगा है, कैमरा लगा के बजने से मैं वीडियो रोकता हूँ। तो देख सकते हैं अभी वो दिख रहा होगा, ये कैमरा दाहिने साइड में ये कैमरा लगा हुआ है, तो मैं वीडियो बंद करता हूँ, मगर दिखाऊँगा आपको वीडियो, तो इसमें कैमरा लगा है दोस्तों, इसी वजह से देख सकते हैं गाड़ी आ जा रही है, तो कैमरा लगा है, तो मैं नीचे कर लिया मोबाइल दोस्तों। नीचे करने से क्या होता है, तो उसमें कैमरा नहीं आता है, समझता है कि बस आदमी गाड़ी चला रहा है बस। तो दोस्तों आप लोग अगर ऐसे चलते रहिएगा ना, तो कैमरा देखिएगा जरूर, नहीं तो कैमरा आ गया तो आप मुखालफा यहाँ कट जाएगा, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब रोड चलते होगे तो आइए चलते हैं दुकान पर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ दुकान पर, सामान पैसा दे दिए भाई को, जो हिसाब था तो थोड़ा सा बचा है पैसा, अब बाल कटाएंगे, तो अभी देखते हैं दुकान भाई, दुकान भी खुली कि नहीं खुली? हाँ खुली, अभी चलेंगे देखेंगे खुली होगी दुकान, बाल कटाएंगे, उसके बाद चलेंगे रूम में, कुछ खाने के दे दो यार, कुछ है तो थोड़ा सा लेंगे, एक पाव रोटी और थोड़ा सा ठंडा, उसके बाद खाएंगे। तो अभी मैं या तो इसको लूँगा, ये दो कौन सा लेता हूँ, या तो इसको खाने के लूँगा जो मीठा होगा, थोड़ा सा वही लेंगे, नहीं तो ये ले लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। कोई नमकीन है कि मीठे सब इसमें? मीठे एक नमकीन है सर, कौन सा?
ये चलो देखते हैं, बस हो सकता है यही लेंगे खाने के लिए, स्वस्थ रहता है ना ये लेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं ले लिया हूँ, अभी ठंडा लेंगे इस टाइम में, ठंडे लेंगे जूस लेंगे, ठंडा ले लेंगे जूस, कहते हैं अमरूद वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये अमरूद वाला लेंगे जूस। ये अमरूद वाला ज़्यादा अच्छा है भाई कि मैंगो वाला? मैंगो वाला अच्छा रहता है कि अमरूद वाला? ये मैंगो वाला लेंगे, मैं मैंगो वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं ले लिया हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाल वाली कटाने की, देख सकते हैं बाल कटाएंगे यहाँ, बहुत अंदर दुकान है भाई इधर, इधर काफ़ी अंदर दुकान, मैं जान नहीं रहा था, मैं गाड़ी उधर की खड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं गाड़ी उधर खड़ी कहीं है नहीं, भाई बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, वही नाश्ता कर रहे हैं भाई, उसके बाद बाल काटेंगे, मैं फिर थोड़ा जाकर करूँगा। तो भाई कितना लेते हो फीस बाल काटने का? 10। तो 10 रियाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम यार बहुत कम ले रहे हो आप यार, कम ही है थोड़े में, ज़्यादा तो नहीं है। तो हमारे फ्रेंड को हाय कर दो यार, तो ये भाई है हाय कर रहे हैं, तो अभी बाल कटाएंगे बैठेंगे भी, बहुत अच्छा है, कहाँ बैठे थे इस साइड बैठे, इस साइड में तो बैठेंगे दोस्तों, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिमाग रखो यार। तो दोस्तों भी वीडियो एड करते हैं, लगाएंगे उधर बाल काटेंगे भाई, आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं अभी रेडी चुका हूँ बाल कराने के लिए, भाई लगाएंगे झिल्ली, उसके बाद यूट्यूब मारो, यूट्यूब लगाओ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो इतना शौक नहीं है, नहीं नहीं शौक नहीं, आप बताओ कस्टमर आएंगे मेरे यहाँ जो मैं देखता भी नहीं हूँ, नहीं 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 देखो जो आप बोलोगे ना इसमें जो कस्टमर आस पास के हैं तो आएंगे आप पास कटाने के लिए नहीं, तो दोस्तों आप लोग ज्यादा ज्यादा आइएगा आप ये भाई पास, इनका थोड़ा सा यहाँ कटाइए आप बाल कैसे काटते हैं, ये अच्छी तरीके से बाल काटते हैं, थोड़ा सा आप लोग आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई आज पहली बार मैं कटा रहा हूँ, अगर बाल अच्छा काटेंगे तो मैं एनी टाइम आऊँगा, नहीं मतलब कि जब बाल कटाना होगा तो आऊँगा जरूर। तो पहले झिल्ली लगाएंगे, झिल्ली लगाने से क्या होता है थोड़ा बाल नहीं गिरता कपड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं उधर गाड़ी खड़ी किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चार पहिए मुश्किल नहीं है, तो मैं घास लोड करके आया हूँ, प्लास्टिक है कितना साल हो गया सो? मैं यहाँ 7 साल 8 साल लगा हुआ है, 7 साल से यूट्यूब करते हो? हाँ 7 साल नहीं 7 साल नहीं यार, ये भी 7-8 महीने से, मतलब नया चैनल लगा है, नया चैनल है भाई, नया चैनल है, पैसा वगैरह आता है? हाँ पैसा आता है भाई, पैसा आता है भाई, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा सही बात, तो अभी भाई एकदम लगा चुके हैं, साइड में मशीन मारेगा, अपने हिसाब से काटो, अच्छा काटना चाहिए, समझ लीजिए बाल आगे जो ऊपर है बड़ा रहे, बड़ा रहना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं करना, मशीन लगा के अपने हिसाब से काटो, अच्छा नहीं भाई को बोला अपने हिसाब से काटें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या काम कर रहे भाई? मेरा बहुत काम इस तरह है, काम है भाई इस तरह, हाँ इस तरह है, तो मैं टोपी लगा दी इसी वजह बात थोड़ा बेकार हो गया यार। तो इधर दिख नहीं रहा था, इधर साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, काटो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बाल को देखो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बाल सीधा हो जाए ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें, मीडियम कटाऊंगा। हमारे फ्रेंड जो है ना बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, बहुत प्यार से, सही है देखना चाहिए। तो मेरा ये फॉलोअर्स 10,500 हो गया है सब्सक्राइबर, सही है। तो आप लोग देख रहे हो तो इस दुकान पे, नाम क्या भाई आपका दुकान का? दुकान का तो अभी तक नया दुकान है, नाम नहीं है भाई, ये नई दुकान नाम है, आपका नाम बताओ, नाम बताओ, नाम से आदमी आ जाएगा। मेरा नाम है आर्या, आर्या नाम है इनका भाई क्या? बांग्लादेश के हुआ, आर्या नाम है भाई क्या, और ये पाकिस्तान जो वकाला नहीं है, मैं जहाँ संभाल लिया हूँ पैसा दिया हूँ उसी के पीछे जेस्ट है,
तो प्लीज़ आप लोग आइएगा, इनसे बढ़िया से कटवाइएगा। तो आप वीडियो एंड करते हैं भाई, बाल काटेंगे भाई, काटने के बाद आपको दिखाएंगे। हाँ दोस्तों, ये देखिए भाई का काटिंग हो गया, मैंने पूरा काटिंग कर दी। इधर से तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दर्जा है, एक साइड में अंधेरा है, एक साइड में रोशनी है। तुम भाई का कटिंग मैंने कर दी, देखो। तो दोस्तों बहुत अच्छा अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा बाल कटा के। अब देखेंगे अब हमारे लोग क्या कहते हैं, फ्रेंड क्या कहते हैं, उसके बाद हम कमेंट इसमें जरूर कीजिएगा। ये हमारे भाई बांग्लादेश के हैं, नाम इनका आर्यन है, बहुत अच्छे आदमी हैं, हम एक बिरादर के हैं। तो आपको कैसा लगा बाल कटना इनका, तो जो हमारे पास देखते हैं इनका हमारा ब्लॉग, तो प्लीज़ आइए इनकी दुकान पर, बाल कटाइए। धन्यवाद दोस्तों। बाल कट गया, मैं चल रहा हूँ अभी रूम में, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है आज, पूरा हल्का हल्का सा लग रहा है। भाई भी काट रहे हैं, दूसरे लोग आ चुके हैं, तो भाई चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैं चल रहा हूँ, हो गया मेरा काम। तो भाई बहुत अच्छे थे, मैं क्योंकि 5 या ज़्यादा दिए, 10 बोले थे, 15 दिए, क्योंकि हमारा बाल अच्छा काटे इस वजह 5 पे ज़्यादा मैंने दिए। तो ये रोड यहीं से आती है, इधर इनका भाई। तो आइए चलते हैं दुकान पे। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने रूम में, नाश्ता वास्ता एकदम रेडी करके खा लिया हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये थोड़ा सा बताइए, जहाँ हम गए थे थोड़ा सा व्यू लगा कैसा लगा। तो दोस्तों तो आज कल पार्टी थी दोस्तों, पार्टी में थोड़ा सा मतलब किन्हीं घास वास के लिए थोड़ा सा झगड़ा हो गई थी। तो उसका दोस्त मतलब हमारा सऊदी, उसका दोस्त, तो सऊदी बोल रहा था कि मतलब कि सऊदी बोल रहा था कि मतलब मेरा नहीं मतलब कि हमारे काफिल का भाई, तो उसका दोस्त आया था, बोला कि मैं घास मेरा आदमी गिराने जाएगा तो वहाँ तुम देख लेना। तो दोस्तों वहाँ से इसी वजह से मैंने बोला कि बस गिराना हो तो तुमको अपने यहाँ गिरवाओ, मैं दूसरे यहाँ नहीं गिराऊँगा। तो हमारे ऊपर थोड़ा सा लाल पीला होने लगा, तुमने कहा नहीं गिराएंगे तो नहीं गिराएंगे भाई, अगर तुम्हारा काम चाहे सारा दिन भी कहो दिन भी गिराएंगे, मगर हम दूसरे के यहाँ एक चीज़ नहीं गिराएंगे जो कहोगे। तो भाई कहते नहीं यार दोस्त क्या, ये ऐसा नहीं है कि दोस्त यहाँ पूरा फुल काम कराओ सारे को एक रुपया न मिले, ऐसा नहीं है। मैं तो दोस्तों मैं गाड़ी ले आके खड़ी कर दिया हूँ, उसी यहाँ बोला था गिरा देना, मैं नहीं गिराया एक चीज़। तो दोस्तों आज ये आएगा, अभी आज बनाएगा, जो तो बुद्ध कहा था आप लोग को कि इधर कैसा क्या है कि क्या बनाना है क्या बनाना है, वो बना रहा अभी आएगा। फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ तो नाश्ता वाश्ता कर ले, तो मैं नाश्ता वाश्ता रेडी कर लिया हूँ दोस्तों। उधर थोड़ा साफ सफाई करना था तो मैं गया नहीं, वो आएगा अपना यूट्यूब है उधर साफ करेगा, मैं साफ करने को ना क्योंकि हमें काम बहुत है दोस्तों। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही कहेंगे कि आप सऊदी में हो मजरे में हो तो अधिकतर यही आप लोग के साथ होता होगा कि सऊदी जितना दोस्त प्यार करते हैं उतना अपने मतलब कि अपने जैसे मैं हूँ काम करने वाला अपने नौकर से नहीं प्यार करते क्योंकि उनको काम से मतलब रहता है बस। तो यहाँ जितनी हम आपको बताएंगे, यहाँ जितनी जानवर की इज्जत होती है उतनी यहाँ हमारी तुम्हारी नहीं होती, सिर्फ पैसे के लिए रखते हैं बस, क्योंकि तुम पैसा कमाने आओ पैसा कमाओ बस, वहीं तक ये हालातें रहती है यहाँ दोस्तों। कुछ कुछ सऊदी इतना है देखा मैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने अमीर से क्योंकि उनके यहाँ काम कर रहे हैं, बाहर विदेश से आए हैं काम कर रहे हैं, अच्छे से तरीके से काम कर रहे हैं। मगर कुछ सऊदी हैं कि वो समझ लीजिए बिल्कुल उनको ना के बराबर मानते हैं, सिर्फ बोलते हैं बस पैसा कमाने आया, बस पैसा दे रहे हैं बस। कुछ लोग हैं पैसा दे के भी जलील करते हैं, जैसे कि मेरा सऊदी है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, देखा नहीं आपने मैं कहाँ कहाँ गया था आपको पूरे वीडियो में दिखाया। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।